नमस्ते डियर स्टूडेंट्स बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटी एजुकेशन चैनल पे मैं हूं गौरव चोपड़ा और आज हम बात करने वाले डेरिवेटिव्स के बारे में तो डेरिवेटिव्स एज एज अ अ टॉपिक बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक परसीव किया जाता है बहुत हार्ड टू अंडरस्टैंड टॉपिक परसीव किया जाता है तो मैं इस लेक्चर में आपको छ से आठ आसान चार्ट के माध्यम से के टॉपिक्स के बारे में ब्रीफ करूंगा उसे समझाने की कोशिश करूंगा ठीक है हम समझेंगे कि ऑप्शंस क्या होते हैं फ्यूचर्स क्या होते हैं स्वॉप्स फॉरवर्ड्स ये सब क्या भयानक भयानक फाइनेंशियल टर्म्स है हम इसको इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करने वाले हैं ठीक है तो आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप मार्केट पार्टिसिपेंट्स समझ लो कि कौन-कौन मार्केट में लोग पार्टिसिपेट करते हैं यानी इस डेरिवेटिव्स मार्केट्स में कौन कौन से प्रकार के प्रतिभागियों बाजार में निकल के आते हैं तो ये मेजरली तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड है फर्स्ट इज हेजेस देन कैटेगरी एंड देन तो हेजेस कौन होते हैं हेजेस वो होते हैं जो अपने पोटेंशियल फाइनेंशियल लॉसेस को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं यानी अगर किसी भी चीज में लॉस होने की संभावना उन्हें दिख रही हो तो वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहेंगे तो इससे फिर वो हेजिंग करते इट्स लाइक एन इंश्योरेंस हम आगे इस पे बात करने वाले कि वो कैसे हेजिंग करते हैं या कैसे प्रोटेक्ट करते हैं बट आप बस अभी इतना समझ लो। यानी बाजार में अगर कोई भी वेरिएबल ऊपर नीचे हुआ बाजार तो अनसर्टन रहता है ना तो ऊपर नीचे तो जा सकता है यानी कुछ भी फिक्स नहीं रहता है सो so, उस पे अगर ऊपर नीचे हुआ तो इन्वेस्टर को लॉस हो सकता है सो so, इसीलिए ये जो रिस्क है मार्केट्स का इसे प्रोटेक्ट करने के लिए हेजेस हेजिंग करते दूसरा है स्पेक्यूलेटर्स स्पेक्यूलेटर्स का लिटरल मीनिंग हिंदी में सट्टेबाज होता है इन लोगों का मेन पर्पज रहता है कि किसी भी डायरेक्शन पे पैसा लगा लो से, से अगर उन्हें लगता है या उनकी रिसर्च के अकॉर्डिंग मार्केट ऊपर जाएगा तो वो बाइंग करेंगे अगर उनके रिसर्च के अकॉर्डिंग मार्केट नीचे जाएगा तो वो सेलिंग करेंगे ठीक है ना तो दे बेट ऑन दी मूवमेंट ऑफ द एसेट

से कोई भी एक चीज हो एक जगह दस रुपए में बिक्री है और दूसरी जगह पच्चीस रुपए में बिक्री है तो आर्बिट्राजर इस जगह से वो चीज खरीद लेगे दस रुपए में और दूसरे मार्केट में उसको पच्चीस रुपए में बेच देगा तो बीच का उनको जो पंद्रह रुपए मिलेगा वो उनका प्रॉफिट होगा तो ये आर्बिट्राज ऑपरचुनिटी बोलते हैं इसको ठीक है अब एक्चुअल मार्केट में आर्बिट्राज ऑपरचुनिटी ढूंढना बहुत मुश्किल है क्योंकि जब कुछ भी कोई भी न्यूज मार्केट में निकल के आती है तो मार्केट वो न्यूज को कैप्चर कर लेता है यानी अगर कंपनी के लेटेस्ट फाइनेंशियल रिजल्ट्स निकल के आए हो क्वार्टरली रिजल्ट्स निकल के आए हो अच्छा हो या बुरा हो परफॉर्मेंस तो वो जो नंबर्स रहते हैं वो मार्केट कैप्चर कर लेता है मार्केट कैप्चर कर लेता है मतलब वो शेयर की प्राइस अपने आप अप एडजस्ट हो जाती है अगर अच्छे नंबर्स निकल के आए तो शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा अगर बुरे नंबर्स निकल के आए तो शेयर का प्राइस नीचे जाएगा समझ रहे हो तो बेसिकली मेरा कहना है कि इट वुड बी वेरी अनलाइकली दैट द मार्केट पार्टिसिपेंट्स वोंट बी एबल टू कैप्चर दीज थिंग्स एंड डिस्काउंटेड इन द फ्यूचर ऐसा नहीं कि सारे बुद्धू लोग पड़े मार्केट में तो जो एक्चुअली मार्केट्स को फॉलो करते हैं वो लोग इन चीजों को डिस्काउंट कर देते हैं एंड फिर हमें स्टॉक्स की प्राइस में डिफरेंस मिलता है सो बेसिकली आर्बिट्राज ऑपरचुनिटी ढूंढना मुश्किल है बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल रहता है समझे सो so, ये है मार्केट के तीन मेजर पार्टिसिपेंट्स अब डेरिवेटिव्स को समझते हैं सो व्हाट आर आर डेरिवेटिव्स डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स हुज वैल्यूज आर डिराइव्ड फ्रॉम द द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट अब ये अंडरलाइंग एसेट क्या होता है अंडरलाइंग एसेट मतलब टीसीएस का शेयर हो गया या गोल्ड हो गया या ऑयल हो गया कच्चा तेल तो इस ये अंडरलाइंग एसेट से डेरीवेटिव बन के निकलते सो द वैल्यूज ऑफ दीज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट दे आर डिपेंडेंट ऑन द अंडरलाइंग एसेट यानी गोल्ड का फ्यूचर्स गोल्ड का फॉरवर्ड्स या गोल्ड के ऑप्शन तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं ये गोल्ड की प्राइस पर निर्भर करते हैं। समझ रहे हो अब मोटा मोटा चार टाइप के डेरिवेटिव्स होते हैं ये समझ लो फॉरवर्ड्स फ्यूचर्स ऑप्शंस एंड स्वाप्स तो एक एक करके समझते हैं अब ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा ठीक तो है तो से फॉर एग्जांपल यहां एक ऑयल प्रोड्यूसर है एंड यहां पे एक एयरलाइन कंपनी है दोनों के लिए तेल की प्राइसेस इंपॉर्टेंट है 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 कि नहीं क्योंकि ऑयल ऑयल प्रोड्यूसर को अपना बेचना एंड एयरलाइन कंपनी को ऑयल लगता है तेल लगता है हवाई जहाज उड़ाने के लिए तो समझो कि करंटली तेल चालीस डॉलर पर बैरल चल रहा है एंड ये दोनों जनवरी 2020 में मतलब जनवरी 2020 में 40 डॉलर तेल की कीमत चल रही है एंड ये एयरलाइन कंपनी के पास अब 9 महीने का तेल पड़ा हुआ है एज एन इन्वेंट्री नौ महीने तक अभी उसे तेल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी पर दसवें महीने तो जरूरत पड़ेगी जहाज उड़ाने तो ये दसवें महीने में ऑयल प्रोड्यूसर के पास जाएगा तेल खरीदने अब यह नौ महीने में तेल की कीमत ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि अल्टीमेटली ऑयल बहुत वोलेटाइल है उसकी प्राइस ऊपर नीचे बहुत होती है तो अगर गलती से प्राइस ऊपर चली गई तेल की फोर्टी से एटी हो गया सपोज तो एयरलाइन कंपनी के प्रॉफिट्स सीधे सीधे अफेक्ट हो जाएंगे है कि नहीं सपोज अगर कंपनी को एक मिलियन डॉलर का प्रॉफिट हो रहा था चालीस डॉलर के तेल से खरीदने पे अगर वो तेल की कीमत अस्सी डॉलर हो गई तो कंपनी का प्रॉफिट कितना हो फाइव हंड्रेड थाउजेंड डॉलर भी नहीं होगा सो एयरलाइन कंपनी अब क्या करेगी ये तो रिस्क हो गया ना अगर उससे लग रहा है कि ऑयल की प्राइसेस बढ़ेगी उसने एक डीप डाइव अपना एनालिसिस किया रिसर्च रिपोर्ट बनाई है एंड उसमें उन्होंने रिसर्च किया है तो फिर क्या किया जाए मुझे तो अक्टूबर में भी चालीस डॉलर पर बैरल के हिसाब से प्रॉफिट सर्टन की, की सर्टनिटी बढ़ेगी है ना एंड सर्टनिटी तो इन्वेस्टर्स को पसंद है किसको नहीं पसंद सर्टनिटी सबको पसंद है तो ये एयरलाइन कंपनी ऑयल प्रोड्यूसर के पास जाएगी और उसको बोलेगी कि देख भाई एक मैं तेरे साथ अभी कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूं कि आज से नौ महीने बाद यानी अक्टूबर 2020 में मैं तेरे पास आएगा 40 डॉलर पर बैरल पर तेल खरीदूंगा अब ऑयल प्रोड्यूसर तो खुश कि आज से नौ महीने बाद भी मेरा तेल बिकेगा ऐसा नहीं है कि पड़े पड़े सड़ जाएगा नौ महीने बाद मुझे बिजनेस मिलेगा तो उसने सोचा कि मैं थोड़ा सा नेगोशिएट कर लूं एंड उन दोनों ने ये डिसाइड किया कि 42 डॉलर्स पर बैरल के बेसिस पे तेल की बाइंग एंड सेलिंग होगी ठीक है दोनों ने 42 डॉलर्स पे नक्की किया तो इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ये ऐसा अक्टूबर 2020 हजार एट फोर्टी टू पर बैरल ठीक है ना अब अक्टूबर आ गया एंड तेल की कीमत साठ डॉलर चली गई यानी एयरलाइन कंपनी का अनुमान अच्छा बैठा उसका एस्टिमेट सही निकला अब इन्होंने तो 42 डॉलर्स का कॉन्ट्रैक्ट लिया था है ना तो ये ऑयल प्रोड्यूसर इस एयरलाइन कंपनी को 42 डॉलर्स में ही तेल बेचेगा एयरलाइन अपने ये तेल की डिलीवरी ले लेगी एंड इसको अपने 42 डॉलर्स के भाव से तेल के पैसे मिल जाएंगे ऑयल प्रोड्यूसर को समझ रहे हो तो ये जो सिस्टम है ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एयरलाइन ने लॉन्ग पोजीशन ली है एंड ऑयल प्रोड्यूसर ने शॉर्ट पोजीशन ली थी ये बेसिक टर्म्स होते हैं डेरिवेटिव्स मार्केट्स में अब समझो कि अगर ऑयल की प्राइस 60 डॉलर डॉलर के बजाय हो गई तो उस केस में एयरलाइन कंपनी का अनुमान गलत हो गया ऑयल प्रोड्यूसर तो अभी मुनाफे में आ जाएगा एयरलाइन कंपनी को फोर्टी टू पर बैरल में ही तेल खरीदना पड़ेगा वो दस डॉलर में नहीं खरीद सकता ऑयल प्रोड्यूसर से तो इसमें फिर एयरलाइन कंपनी घाटे में जाएगी एंड ऑयल प्रोड्यूसर को मुनाफा होगा ठीक है या तक समझा अब ऐसा भी सिनेरियो निकल के आ सकता है कि ऑयल प्रोड्यूसर को अपना बिजनेस प्रोटेक्ट करना है अपना प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना है क्योंकि तो हमने देखा ना कि अगर ऑयल की प्राइस साठ डॉलर चढ़ गई तो फिर ऑयल प्रोड्यूसर को नुकसान फेस करना पड़ता है सो नाउ ऑयल प्रोड्यूसर थिंग्स दैट आई नीड टू प्रोटेक्ट माई बिजनेस आई नीड टू प्रोटेक्ट माई प्रोफिट एंड ऑयल प्रोड्यूसर को लग रहा है कि आज से नौ महीने बाद यानी जैन दो से नौ महीने बाद अक्टूबर 2020 में ऑयल की प्राइसेस गिर सकती है शायद ओवर सप्लाई हो जाए इंटरनेशनल मार्केट्स में एंड डील एट फोर्टी डॉलर पर बैरल तो अगर सपोज अक्टूबर में ऑयल की प्राइसेस दस डॉलर हो गई या पांच डॉलर हो गई तो ऑयल प्रोड्यूसर के उस साल प्रॉफिट्स तो प्रोटेक्ट हो गए फोर्टी टू डॉलर में ही बेचेगा ऑब्लिगेशन है, है, right right so, मोटा -मोटा है ये कॉन्ट्रैक्ट की डीलिंग में कुछ एक्स्ट्रा पैसा खर्चना नहीं पड़ता किसी को कोई फीस या कोई कमीशन देनी नहीं पड़ती कोई मिडलमैन नहीं रहता इसमें राइट सो ऑल एंड ऑल फॉरवर्ड में दो चीजें आती है लॉन्ग फॉरवर्ड्स यानी हमारे एग्जाम्पल में एयरलाइन कंपनी एंड ये शॉर्ट फॉरवर्ड्स यानी ऑयल प्रोड्यूसर एयरलाइन कंपनी वॉज बुलिश राइट बुलिश मतलब उससे लगा था कि ऊपर जाएगा इसीलिए वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आ गया सो ही हैड द राइट एंड ऑब्लिगेशन टू बाय एसेट इन दिस केस दहा ही दी प्राइसेज ऑफ बुलिश और बेरिश क्यों बोलते हैं तो बुलिश इसलिए बोलते हैं कि जैसे बुल जब अटैक करता है तो वो अपनी सींगों से सामने वाले को ऊपर उछाल देता है है ना कभी देखना नेशनल जोग्राफी वगैरह पे। तो इसीलिए उसके रेफरेंस में फाइनेंस में बुलिश वर्ड यूज किया जाता है यानी मार्केट उठेगा उछलेगा समझे बैरिश में अम, अब जो बैर होता है वो हमला कैसे करता है वो सामने वाले को अपने हाथ से मारता है यानी वो हाथ से नीचे गिराने की कोशिश करता है तो यही चीज मार्केट में यूज होती है जब मार्केट्स की गिरने की उम्मीद होती है या मार्केट्स जब गिरते हैं तो बेरिश टर्म यूज किया जाता है अब ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का सेटलमेंट चार्ट है जब कॉन्ट्रेक्ट एक्सपायर हो गए यानी हमारे एग्जाम्पल में अक्टूबर में एक्सपायर हो गए है ना तब ऑयल प्रोड्यूसर सीधे सीधे एयरलाइन को ऑयल की डिलीवरी दे, दे देगा यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज हो रहा है यहां पे या फिर एयरलाइन को बोलेगा कि मार्केट में साठ डॉलर चल रहा है एंड हमारा डील फोर्टी टू डॉलर का था तो ये ले 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 तू ऊपर का इज और जाके मार्केट से तू तेल खरीद ले या सिर्फ फॉर लेस डॉलर चल रहा है तो एयरलाइन कंपनी ऑयल प्रोड्यूसर को बोलेगा कि फोर्टी टू माइनस टेन यानी थर्टी टू डॉलर और हमारा कॉन्ट्रैक्ट हम यही खत्म कर देते हैं समझ रहे हो क्योंकि इसमें फिर ऑयल प्रोड्यूसर को नफा हो रहा था है ना तो इसको कैश सेटलमेंट कहते हैं अब ये तो आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सीन था यानी एट बिफोर एक्सपायरेशन में भी कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हैं या तो तुम नेगोशिएट कर लो कैश सेटलमेंट कर लो या फिर नए कॉन्ट्रैक्ट में चले जाओ यानी पुराना कॉन्ट्रैक्ट को तुम खत्म कर लो और नए कॉन्ट्रैक्ट में चले जाओ शायद वो कॉन्ट्रेक्ट की टर्म्स एंड एंड चेंज हो जाएगी इंस्टेड ऑफ फोर्टी टू डॉलर जो तुमने नक्की की थी वो शायद से फोर्टी फाइव डॉलर हो सकती है फॉरवर्ड प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ सो इट डिपेंड्स इफ बोथ द पार्टीज एग्रीज देन ये हो सकता है और फ्यूचर्स मार्केट में क्या होता है सेम फॉरवर्ड्स जैसा ही कॉन्सेप्ट है बस इसमें एक्सचेंज इन्वॉल्व रहते हैं जैसे हमने फॉरवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट में देखा कि ये एक दूसरे के पास जाके डीलिंग करते हैं फ्यूचर्स में ये लोग एक्सचेंज के पास आएंगे एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे एंड दोनों पार्टिसिपेट करेंगे ट्रेडिंग में एंड इसके चलते फिर कॉन्ट्रेक्ट की डीलिंग होती है तो इसीलिए ये एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट लिखा है यानी एक्सचेंज पे ये कॉन्ट्रेक्ट की डीलिंग की जाती है एंड यहाँ पे ओटीसी लिखा है यानी

बिना किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी या यानी या बिना कोई सुपरवाइजिंग अथॉरिटी के सामने ट्रेड करना फ्यूचर्स आर ट्रेडेड ऑन एक्सचेंजेस हियर कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी कस्टमाइज्ड यानी स्ट्राइक प्राइस कुछ भी रख सकते हैं स्ट्राइक प्राइस मतलब फॉरवर्ड प्राइस सेटलमेंट डेट कुछ भी रख सकते हैं और भी रेलिवेंट कस्टमाइजेशन एड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन वॉट दी पार्टीज एक्चुअली वॉन्ट फ्रॉम ईच अदर इसमें डिफॉल्ट रिस्क होता है यानी yani, हमार, से हमारे हमारे एग्जाम्पल में ऑयल प्रोड्यूसर ने ऑयल दिया ही नहीं या पैसे का सेटलमेंट किया ही नहीं तो उसको डिफॉल्ट रिस्क बोलते डिफॉल्ट कर गया ऑयल प्रोड्यूसर अपने कॉन्ट्रैक्ट पे तो यहाँ पे ऑयल प्रोड्यूसर को तेल देना ही पड़ेगा इस केस में फ्यूचर्स में क्योंकि एक्सचेंज इन्वॉल्व है अगर वो सेटलमेंट नहीं करेगा कैश सेटलमेंट नहीं करेगा या तेल की डिलीवरी नहीं करेगा तो इसको सीधा सीधा एक्सचेंज पेनल्टी देगा सो असेंचली दो डिफॉल्ट रिस्क इन्वॉल्व इन हियर नाउ दिस इज हाईली लिक्विड मतलब मार्केट में इतनी तरलता नहीं होती कंपेयर टू फॉरवर्ड मार्केट फ्यूचर्स मार्केट में बहुत लोग ट्रेडिंग करने आते हैं तो इससे फिर बाजार में तरलता होती है इस केस में मार्जिन लगता है फ्यूचर्स में मार्जिन मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट कि भाई कल को तुम अगर डिफॉल्ट कर जाओ तो कम से कम सिक्योरिटी डिपॉजिट से तो पैसा वसूल लू मैं यहां पे मार्जिन नहीं लगता इसमें एक ही स्पेसिफिक डिलीवरी डेट होती है यहां पे मल्टीपल डिलीवरी डेट्स हो सकती है फॉरवर्ड हमेशा मेच्योरिटी पे ही सेटल किए जाते हैं फ्यूचर्स आर सेटल डेली क्योंकि एक्सचेंज इन्वॉल्व होते हैं ना यहाँ पे यूजली डिलीवरी ली जाती है उस एसेट की या कैश से सेटलमेंट किया जाता है फ्यूचर्स में कॉन्ट्रैक्ट मेच्योरिटी के पहले ही क्लोज आउट किए जाते हैं यानी एग्जिट किए जाते हैं प्रॉफिट मिला तो पोजिशन एग्जिट कर लो नेक्स्ट वी कम टू ऑप्शन अब ऑप्शन दो टाइप के रहते हैं एक अमेरिकन ऑप्शन और एक यूरोपियन ऑप्शन अब इनमें डिफरेंस क्या होता है यूरोपियन ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज ओनली एट दी मेच्योरिटी एंड अमेरिकन ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज एनी टाइम मतलब मेच्योरिटी पे यूरोपियन ऑप्शन को एक्सरसाइज किया जा सकता है जिसमें जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा ऑयल प्रोड्यूसर एंड एयरलाइन कंपनी के जब मेच्योरिटी होती है तो दोनों कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करते हैं

तो कॉल और पुट क्या होता है सो so, ऑप्शन के ये दो टाइप होते हैं कॉल एंड पुट अब हमारा ऑयल प्रोड्यूसर एंड एयरलाइन कंपनी के एग्जाम्पल को लेकर ही हम कॉल एंड पुट को समझे, समझने वाले है. तो जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा कि वो एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक एग्रीमेंट करते हैं बाइंग एंड सेलिंग की ताकि वो अपना प्रॉफिट प्रोटेक्ट कर पाए वो हेच कर पाए डिपेंडिंग ऑन ओन रिसर्च स्टडीज राइट एंड ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल अंडरलाइंग एसेट सो so, भी सेम कॉन्सेप्ट है बस फर्क इतना है कि हमेशा ऑब्लिगेशन नहीं होता बाइंग एंड सेलिंग करने में चॉइस मिलती है जैसे एयरलाइन कंपनी को अगर सपोज लग रहा हो कि ऑयल की प्राइस ऊपर जाएगी तो इंस्टेड ऑफ गोइंग इन टू फुलस्ड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट द कंपनी कैन एक्चुअली गो फॉर ऑप्शन वेर इन इट कैन हैव द ऑप्शन टू चूज वेदर टू एक्सरसाइज दॉट फ्यूचर्स में तो उसको ऑब्लिगेशन ही था कि भाई करना ही पड़ेगा मुझे एक्सरसाइज रिगार्डलेस अगर मेरा नफा हुआ या नुकसान हुआ रियली मैटर बट में द द कंपनी एक्चुअली गेट्स चॉइस टू एक्सरसाइज कॉन्ट्रैक्ट यानी से ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ अक्टूबर 2020 का एट 42 डॉलर्स पर बैरल सेम एयरलाइन इज लॉन्ग एंड ऑयल प्रोड्यूसर इज शॉर्ट इन दिस केस तो एयरलाइन कंपनी एक छोटी सी फीस पे कर सकती है एंड ऑयल प्रोड्यूसर को बोल सकती है कि अगर ऑयल की प्राइस 42 से ऊपर जाएगी तो ही मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करूंगा यानी मैं 42 में तेरे से ऑयल खरीदूंगा लेकिन अगर फोर्टी टू के नीचे गया तो मैं तेरे से क्यों खरीदू मैं तो मार्केट में जाके ही खरीद सकता हूं ना से मार्केट में अगर तीस डॉलर चल रहा हो तो मैं फोर्टी में क्यों खरीदू मैं मार्केट में जाता हूँ तीस में खरीदता हूँ भले मेरा वो छोटा सा फीस चले जाए तो तो उस केस में ऑयल प्रोड्यूसर को अपना छोटा सा फीस मिल जाता है एज अ प्रीमियम कहते हैं उसको अब ऑयल की प्राइस अगर बढ़ेगी तो जो डेरिवेटिव मार्केट है वहां पर वैल्यू भी बढ़ेगी बिकॉज द वैल्यू इज डिराइव फ्रॉम राइट तो अगर डॉलर हो गया सपोज कल को ऑयल तो ऑयल प्रोड्यूसर को हंड्रेड माइनस फोर्टी टू यानी फिफ्टी एट डॉलर एयरलाइन कंपनी को पे करना पड़ेगा 200 भी हो सकता है तो 200 सो माइनस फोर्टी यानी 158 फिर ऑयल प्रोड्यूसर को पे करना पड़ेगा 158 डॉलर तो या इस केस में एयरलाइन की पोजीशन को कहते हैं लॉन्ग कॉल एंड ऑयल प्रोड्यूसर की पोजीशन को कहते हैं शॉर्ट कॉल तो जैसे कि आप ये चार्ट में देख सकते हो ये राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन टू बाय अंडरलाइंग एसेट ही अ स्मॉल फीस विच इज प्रीमियम इसमें इसको प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है हमारे एग्जाम्पल में एयरलाइन कंपनी एंड मैक्सिमम लॉस सिर्फ प्रीमियम ही जाएगा वो जो छोटी सी फीस एयरलाइन ने ऑयल प्रोड्यूसर को दी थी एंड यहाँ शॉर्ट कॉल में उल्टा है टू सेल यानी बेचना ही पड़ेगा ऑयल प्रोड्यूसर को रिगार्डलेस प्राइस प्रोड्यूसर के फेवर में जाएगा जाएगा यानी oil नीचे तो premium रखने मिलेगा उसको and बाकी contract फिर रद्दी हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट स्क्रैप हो जाएगा बट अगर लॉस हुआ तो एयरलाइन कंपनी एक्सरसाइज करेगी कॉन्ट्रैक्ट को एंड इसका फिर मैक्सिमम लॉस होगा कुड बी अनलिमिटेड 200 300 400 डॉलर भी जा सकता है तेल है ना तेल को तो क्या है सो डिपेंडिंग ऑन दी प्राइस एट विच दी ऑप्शन इज इज ट्रेडिंग द द द प्रीमियम और लॉस एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंगली अब याद रखिए इसमें भी इंट्यूशन सेम ही है एयरलाइन कंपनी टू बाय ऑयल सेक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी एट स्पेसिफिक फॉरवर्ड प्राइस बट टू एंटर इन टू दिस कॉन्ट्रैक्ट द एयरलाइन कंपनी नीड्स टू पे अ स्मॉल प्रीमियम तो ये है बुलिश एंड ये है बेरिश अब ये प्रीमियम का आप इंट्यूशन समझ लो सो स्ट्राइक प्राइस हमारे एग्जाम्पल में फोर्टी टू था एंड स्पॉट प्राइस फोर्टी डॉलर था याद है तो इस केस में ideally, में आइडल प्रीमियम डॉलर होना चाहिए मार्केट वजह से ऐसा कभी होता नहीं है बट स्ट्राइक माइनस स्पॉट इज सपोज टू बी द प्रीमियम आइडल मार्केट्स में ठीक है ना अब पुट की अगर हम बात करें तो जैसे या एयरलाइन कंपनी को राइट right है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है एंड इस केस में ऑयल प्रोड्यूसर के केस में ऑब्लिगेशन है ऑब्लिगेशन टू सेल बट ही चौस नॉट हैव हैव अ चॉइस चॉइस ही नॉट द राइट राइट तो इस को को लाने के लिए, इस right को लाने के के लिए लिए ऑयल प्रोड्यूसर कैन एक्चुअली टेक अ लॉन्ग पुट जिसमें उसको चॉइस मिलेगी बट उसके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं होगा बेचने के लिए समझ रहे हो तो हर एक तरह के जो बंदे होते हैं मार्केट में उनको केटर किया जाता है बीट सेलर को अगर राइट right चाहिए तो ये कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा उसको लॉन्ग पुट का सेलर को अगर ऑब्लिगेशन चाहिए तो ये कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा एंड ऐसे बहुत सारे प्रकार के लोग रहते हैं जो ये कॉन्ट्रैक्ट्स की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं ठीक है सो बेसिक इंट्यूशन सेम ही है ऑयल प्रोड्यूसर इज बेरिश एंड एयरलाइन कंपनी इज बुलिश तो उसी प्रकार से फिर प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहां पे एक्स मतलब स्ट्राइक प्राइस एंड पी मतलब स्पॉट प्राइस समझ रहे हो तो ये फिर प्रॉफिट एंड लॉस होगा हिसाब से अच्छा अभी मोटा मोटा ये चीज ध्यान रखो कि इस केस में होता है बुलिश ये होता है बेरिश ये भी होता है बेरिश एंड ये होता है बुलिश ठीक है ये याद रखना बुलिश बेरिश बेरिश बुलिश नेक्स्ट इज स्व स्वाप्स इज प्र स्ट्रेट फॉरवर्ड यू स्वाप दी कॉन्ट्रैक्ट टू अर्न इंटरेस्ट और टू गेट एक्सपोजर टू स्पेसिफिक एसेट्स जैसे आपको एफडी डी सिक्स परसेंट रिटर्न दे रही है एंड आपके फ्रेंड को शेयर मार्केट से रिटर्न बारह परसेंट आ रहा है

सो so, स्वैप्स के भी बहुत टाइप्स रहते हैं उसमें से मैंने ये एक लगा के रखा हुआ है इंटरेस्ट रेट स्वैप्स इसके भी दो टाइप रहते हैं फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल अब ये सब टॉपिक्स अपने आप में ही एक अच्छे बड़े सेशन बन सकते हैं लेकिन अभी के लिए आप बस इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ लो स्वैप्स की कि यू एक्चुअली स्वैप दी कॉन्ट्रैक्ट इंटरेस्ट रेट स्वैप्स मेजरली बैंक्स यूज करती है सो so, ये मोटा मोटा डेरिवेटिव्स का टॉपिक था ये चारों पे हमने बात की हर एक टाइप अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सा टॉपिक आप देखना पसंद करोगे एनी स्पेसिफिक्स एंड दैट कैन बी रोल्ड आउट इन दी अपकमिंग सेशंस ठीक है सो कैसा लगा ये सेशन आपको ये टॉपिक समझ आया अगर हाँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ एंड अगर नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं आपके डाउट्स मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं आगे आने वाले सेशन में वो डाउट्स क्लियर कर पाऊँ ठीक है so, सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं होप आपको ये सेशन यूजफुल रहा होगा